नमस्कार, स्वागत है आपका HCN न्यूज में। भले ही लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हो, लेकिन कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आपको बताना चाहेंगे, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए तलब किया है। वाड्रा को पूछताछ के लिए गुरुवार को बुलाया गया है और सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम वाड्रा से लंदन की प्रॉपर्टी और उनके करीबी संजय भंडारी के बारे में सवाल कर सकती है। ईडी का कहना है कि लंदन में प्रॉपर्टी को गलत तरीके से खरीदा गया है और इसमें काले धन का इस्तेमाल भी किया गया है। इससे पहले ईडी ने दिल्ली कांग्रेस से रॉबर्ट वाड्रा की जमानत खारिज करने की अपील की थी। ईडी की इस अर्जी पर हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस भी जारी किया था और कहा था कि क्यों ना उनकी जमानत रद्द की जाए। ईडी की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जानते हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, इसलिए वो किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उनकी जमानत खारिज करना जरूरी है क्योंकि ईडी उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। इन तमाम दलीलों पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने वाड्रा को नोटिस भेजते हुए केस की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई का दिन तय किया है। वहीं आपको बताना चाहेंगे, निचली अदालत ने बगैर अनुमति देश न छोड़ने को और जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने की शर्त पर वाड्रा को 1 अप्रैल की अग्रिम जमानत भी दी थी। ईडी ने निचली अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती भी दी है। वहीं अगर बात की जाए इस पूरे केस के बारे में, तो ये पूरा केस विदेश में रॉबर्ट वाड्रा की 19 लाख पाउंड की संपत्ति के मालिकाना से जुड़ा है, जिसमें टैक्स से बचने के लिए अघोषित विदेशी संपत्ति होने का भी आरोप है। ईडी इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर चुकी है। उनसे अब तक कुल 58 घंटे पूछताछ हो चुकी है। ईडी का दावा है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ उनके पास दस्तावेज और ईमेल की शक्ल में कई ठेस सबूत भी मौजूद हैं। ईडी का कहना है कि लंदन में प्रॉपर्टी को गलत तरीके से खरीदा गया है और उसमें काले धन का इस्तेमाल भी किया गया है। तो वही जानकारी इस बात की भी दे दे कि ईडी का आरोप है कि रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और न किसी सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं। लिहाजा ईडी एक तरफ जहां वाड्रा की अग्रिम जमानत खारिज कराने का प्रयास कर रही है, वहीं अब एजेंसी ने पूछताछ के लिए तलब भी किया है। ऐसे में अगर वाड्रा पूछताछ के लिए पेश नहीं होते तो ईडी इस आधार पर हाई कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रख सकती है और वाड्रा की अग्रिम जमानत पर भी संकट पैदा हो सकता है। ऐसे में दर्शक इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।